18 के और 15 महीने के आंकड़े जो आपके सामने मैंने रखे, उन योजनाओं को बंद करके मध्य प्रदेश को एक पुनः बीमारू राज्य की ओर ले जाने का काम किया। ये कांग्रेस ने निरंतर जनकल्याणकारी योजनाएं जो माननीय शिवराज सिंह जी की चल रही थी उनको बंद करके और यहाँ कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य तक पहुँचाने का काम किया। बता देना चाहता हूँ कि महांकाल लोक के जो मूर्तियों का टेंडर हुआ वो सज्जन वर्मा के कार्यकाल में हुआ, जो भुगतान हुआ वो सज्जन वर्मा के कार्यकाल में हुआ, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के कारण इस प्रकार का वातावरण बना रही है और उसको प्रामाणिकता के साथ पहला वो देखना चाहिए कि किस कार्यकाल में टेंडर हुआ और किस कार्यकाल में भुगतान हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद राजू खंडेलवाल जी, आपने ये स्वीकार किया कि महाकाल लोक का जो सपना देखा था वो माननीय कमलनाथ जी ने देखा था, उनकी स्वीकृति निश्चित रूप से सज्जन वर्मा जी के समय पे हुई थी, 300 करोड़ रुपये से उसकी शुरुआत काम की हुई थी। आपने जो भी कहा कि मूर्तियों का भुगतान भी उन्होंने किया और मूर्तियों की टेंडर भी उनके समय हो गए, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप भी मंदबुद्धियों जैसी बात करने लग गए, मंदबुद्धियों के साथ रह के। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक सबूत पेश कर दीजिए प्रेस के सामने कि सज्जन वर्मा जी के कार्यकाल में टेंडर हुआ है, तुमने सरकार चोरी की उसको 3.5 साल से ऊपर हो गए, आप उठा के रिकॉर्ड देख लेना, आपके कोई मंत्री से बयान करवा दीजिए कि इनके कार्यकाल में हुआ है, आप भी यहीं मैं भी यहीं, या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये सच और झूठ की दुकान करना बंद करें, जनता पहचान चुकी है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है झूठ देने की, जिला अध्यक्ष हो, MLA हो, सांसद हो, जबरदस्त तरीके की ट्रेनिंग है झूठ बोलने की, पर अब जनता समझ चुकी है झूठ चलने वाला नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महाकाल देख रहा है, जनता देख रही है। इस बार कर्नाटक में जय बजरंगबली जैसे हुआ था, देवास के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी जय बजरंगबली होगा, ये मान के चलना।